तो मैं हूँ प्रदीप और मैं आज आपके लिए छोटे वाला बाइक लाया हूँ, यानी कि छोटा वाला बुलेट लाया हूँ जिसमें तीन टायर है। क्या आपने कभी तीन टायर वाला बुलेट देखा है? नहीं देखा है तो चलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो बक्सा है इसके अंदर छोटा तीन टायर वाला बुलेट है जिसका पूरा अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला है। ये छोटा है लेकिन मेरा वजन क्या है उठा पाएगा, तो चलो देखते हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पता चले इसमें जो बुलेट है वो कितना वजन की कैपेसिटी ये उठा पाता है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। इसके दो छोटे छोटे पहिए और ये कुछ मोटर वगैरह लग रहा है, ये तीन पहिए हैं इसके और इसमें सब छोटे छोटे स्पेयर पार्ट है। ये आगे का हैंडल है इसका। और गाड़ी की बात करें तो देखो ये बुलेट है हमारा छोटा वाला, तो यहाँ पे छोटे छोटे सब पूरे के पूरे एक्सेसरी हमारे साथ है। इसका पूरा हम ज्वाइंट करने वाले हैं तो वीडियो में। ये जो टायर है इसका, इसको दोनों साइड इसके हम पहले रिंग लगा देते हैं। चलो दोस्तों ये हो गया हमारा टायर रेडी पूरा, देख सकते हो आप। अब इसको हम आगे पहले फिट कर देते हैं। दोस्तों देखो ये हो गया आगे फिट हमारा टायर। मजा आ रहा है, छोटा बच्चा ऐसे ही खेलता होगा। पहले क्या है, पहले के जमाने में आगे का एक ही टायर में घर पर बच्चों के लिए खिलौना आता था, अब पूरा जॉइंट होकर आता है। पहले इतने में ही बच्चे खुश रहते हैं लेकिन अभी बच्चे खुश होते नहीं इतने में, इसलिए पूरी गाड़ी बच्चों के लिए ला कर रख दिए लोग। का जो टायर है उसको मैंने जॉइंट कर दिया, अब इसको मैं निकलने जाए इसलिए इसका स्क्रू यानी कि बोल इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ। अब दूसरे साइड की बारी है। चलो अभी दोनों साइड मैंने बोल जॉइंट कर दिया। अभी ये जो लाइटिंग का पार्ट है इसको हम यहाँ जॉइंट करने वाले हैं, तो यहाँ ऐसे आएगा और इसे जो इसके जो पीछे वाली जो वायर का कनेक्शन है वो इसके साथ आएगा। तो पहले मैं इसके साथ इसका कनेक्शन कर देता हूँ, बाद में इसको पीछे जाने देता हूँ ताकि ये दिक्कत कोई ना आए वायर। अब इसको मैं अंदर जाने देता हूँ और फिर मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। आपको तो अंदाज़ आ ही गया होगा कौन सा वाला बुलेट है। तो अब ये इसकी मदद से इसका हैंडल भी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ दोस्तों। पे हैंडल वाला बोल भी मैंने ज्वाइंट कर दिया है, यानी कि जो हैंडल वाला पार्ट है वो भी मैंने ज्वाइंट कर दिया है। आगे का जो पूरा पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम चले आते हैं पीछे, तो सबसे पहले इनकी जो सीट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे। बैटरी वगैरह इसके अंदर है वो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दी है, ऑलरेडी ज्वाइंट ही आती है। तो यहाँ पे ये भी काफी अच्छी तरह से फिट हो गया है। पीछे वाली सीट है उसको हम टाइट कर देते हैं ताकि निकले नहीं। अब बारी है पीछे वाले टायर की। यहाँ पीछे का पार्ट भी पूरा रेडी हो गया है। एक ही मोटर है इसमें, इस साइड है वो मोटर है। और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे ताकि अंदर जो है उसका बोल वगैरह वो आपको दिख ना पाए और अच्छी गाड़ी लगे। चलो हो गया, काफी बढ़िया। यहाँ पे इसके लॉक थे, वो लॉक इसमें ज्वाइंट हो गए, अभी निकल नहीं पाएगी। अभी हमारे पास दो बसी है बैटरी, पीछे वाली हेडलाइट इसको भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो आगे वाली लाइट है तो इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं पहले। तो दोस्तों ये जो हमारा तीन टायर वाला बुलेट है रॉयल बुलेट, वो काफी बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा बुलेट है वजन में कितना है, देखो इतना है। अभी सुबह मॉर्निंग में इसका फिटनेस यानी कि मैं इसका, यहाँ पे हमारा छोटा वाला रॉयल बुलेट रेडी हो गया है, देख सकते हो काफी यूनिक है। जब कॉलेज में सब लोग जाते थे यही बुलेट लेके जाते हैं, काफी फैशन में भी काफी बढ़िया है। अब इसका मैं ना आपको चार्जिंग का पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका चार्जिंग का पॉइंट है और चार्जर हमको साथ में दिया है। अगर आपका बच्चा खेलते खेलते आपका बच्चे का चार्जिंग यानी कि बुलेट का चार्जिंग खत्म हो जाए तो आप इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं। देखो इतना लंबा है, इसको आपको बेड पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, चार्जर ही कुछ चलाएगा जहाँ पे आपका प्लग है। तो दोस्तों इसमें चार्जर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो गाड़ी है उसको मैं पूरा चालू करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें म्यूजिक वगैरह भी है तो मैं आपको सारे म्यूजिक वगैरह चेक करके दिखाने वाला हूँ।
तो चलो दोस्तों ये म्यूजिक हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आगे और पीछे, ये पीछे भी चलता है और आगे भी चलता है, तो सबसे पहले इसको हम आगे चला के देखने वाले हैं। यहाँ जैसे ही पीछे प्रेस करूंगा लीवर दूंगा, इधर देख आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, दोनों साइड चलता है। अब क्या लगता है बुलेट मेरा वजन उठा पाएगा या नहीं पाएगा, चलो देखते हैं। तो चलो मेरा करीबन वजन 50 से 60 किलोग्राम तक के आसपास है, क्या लगता है रॉयल बुलेट मेरा वजन उठा पाएगा कि नहीं, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। वाह मजा आ रहा है मुझको तो, काफी मजा, बच्चे बनने का मजा ही कुछ और रहता है, छोटे छोटे खिलौने खेलने में मजा आता है। देखो अभी एक साइड का ग्लास तो निकल गया है यहाँ से, लेकिन ये बुलेट काफ़ी बढ़िया है, आप मंगवा सकते हो, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बुलेट है वो बच्चों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, फिर भी ये मेरा वजन है वो 50-60 किलोग्राम है, फिर भी ये मेरे को कैरी कर पा रही है। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो अपने बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है, ये घर पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, इसका लुक है, तो बर्थडे हो या कोई पार्टी हो इसमें आप इसको गिफ्ट दे सकते हो बच्चों को। और प्राइस की बात करूँ तो 5000-6000 के आसपास ये मिल जाएगा आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर लेना। और अगर ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहे तो आप हमारे चैनल को भूलना मत, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप ऐसे हम आपके लिए ऐसे ही टॉयज की वीडियो लाते रहेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे।